रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो बच्चों आज हम रिवाइज कर रहे हैं। द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड्स विद द पंक्चुएशन फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल दिस इज माय क्लासरूम, ये मेरा कमरा जमात है, ये फुल थॉट प्रेजेंट कर रहा है। दिस इज माय क्लासरूम कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है एंड विद द फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज अ बिग रूम, ये एक बड़ा कमरा है और इट आल्सो स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड्स विद द पंक्चुएशन व्हिच इज अ फुल स्टॉप। नाउ एवरी सेंटेंस हैज पार्ट्स, देयर इज अ सब्जेक्ट, द पर्सन अ थिंग दैट डज समथिंग, शी लाइक्स कैट्स, शी इज अ सब्जेक्ट वर्ब एक्शन वर्ड, लाइक्स पसंद करती है, शी लाइक्स वो पसंद करती है किसको, कैट्स वो थिंग जो के एक्शन रिसीव कर रही है, शी लाइक्स कैट। तो इसका हर सेंटेंस का एक ऑर्डर होता है, वर्ड ऑर्डर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके सामने हैं, आपने इनको एक कंप्लीट सेंटेंस के फॉर्म में रीअरेंज करना है। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और इन वर्ड्स को तरतीब के साथ लिखें कि एक पूरा सेंटेंस बन जाए। द गर्ल इज वेयरिंग अ येलो ड्रेस, तो ये है पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इज पिंक फ्लावर, ये भी एक वर्ड्स का ग्रुप है, इसको आपने वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और इसको सेंटेंस फॉर्म में रीअरेंज करें। द फ्लावर इज पिंक, ये इसका सही आंसर है, द फ्लावर इज पिंक, फूल जो है वो पिंक कलर का है। फिर है कुकिंग मैन इज फूड द, ये भी एक वर्ड्स हैं जिनको आपने वीडियो स्टॉप करें, इनको रीअरेंज करें फुल सेंटेंस की सूरत में और फिर देखें कि आपका जवाब सही है या नहीं। तो द मैन इज कुकिंग फूड, आपको पता है कि आप कभी रेस्टोरेंट्स में गए हों, आप फूड ऑर्डर करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से फूड आपके सामने ला के रख दी जाती है, तो वो बंदा जो फूड प्रिपेयर करता है और सारे काम की निगरानी करता है उसको शेफ कहते हैं, शेफ सी एच ई एफ, शेफ। शेफ जो होता है वो मैनेजर होता है, वो फूड प्रोडक्शन से ले के प्रेजेंटेशन तक, किचन की स्टाफ की ट्रेनिंग, उसकी सफाई सुथराई सब का ख्याल रखता है। फिर है वॉच टीवी अलीवाज, ये एक और वर्ड्स हैं जिनको आपने रीअरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। आप वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और इनको सेंटेंस की अरेंज करें। अली वॉज वॉचिंग टीवी, अली वॉज वॉचिंग टीवी, आपको पता है कि स्क्रीन टाइम जो है वो बच्चों की हेल्थ के लिए 2 घंटे से ज़्यादा 24 घंटे में नहीं होना चाहिए। इसमें स्क्रीन में टीवी भी आ जाता है, मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर सब शामिल हैं। जो बच्चे स्क्रीन के सामने कम वक्त गुजारते हैं वो सीखते ज़्यादा हैं, वो सेहतमंद होते हैं और वो चुस्त होते हैं और बच्चों की नींद भी ख़राब नहीं होती। और आपको पता है कि बच्चों को 8 से 10 घंटे नींद चाहिए होती है। नेक्स्ट इज सारा प्लेइंग कैट विद द इज, ये भी एक जंबल्ड अप वर्ड्स हैं, आपने इनको सेंटेंस फॉर्म में रीअरेंज करना है। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। तो ये है सारा इज प्लेइंग विद द कैट, ये इसका सही सेंटेंस है। आपको पता है कि पेट एनिमल्स जो होते हैं, जो पर्सन अपनी कंपनी के लिए रखते हैं उनको पेट कहते हैं। आम तौर पे ये जानवर हैं जिनको पेट के तौर पे रखा जाता है, जो आपके सामने हैं तस्वीरें। तो अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एनिमल्स को भी अच्छी तरीके से रखो। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।